मैंने रिसेंटली 9 अगस्त को जैन साहब के जेम्स में दिया था और उसके बाद जबरदस्त परफॉर्म किया। और अब हम देखते हैं जब मार्केट्स करेक्ट होते तो थोड़े बहुत ये भी ऊपर से करेक्ट हो जाते हैं, तो उस लेवल पे आप देखा जाए तो 315 के लेवल पे गैब्रियल इंडिया क्लोज हुआ है, 345 350 का टारगेट लगाए और 297 का स्टॉप लॉस। तो गैब्रियल इंडिया में पोजीशन खरीदारी की सलाह 297 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 350 पर। और लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए अब आपका पसंदीदा स्टॉक जानना चाहेंगे संदीप जी। बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी लाया हूं जिसको कवर करते हैं, इस शो में भले ही नहीं किया हो बट जनरली जेम्स में एसपीएल में हमने आगे पीछे बात की है, और वह गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, एक बेहतरीन देखिए सीमेंट सिगरेट की कंपनी और बड़ी ब्रांड, जैसा कि मार्लबोरो का इनका इंडिया का एग्रीमेंट है, फिर फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट, कैवेंडर्स, ये सब आइकॉनिक सिगरेट ब्रांड्स इनके पास है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज मान लीजिए आप, और कंपनी बेहतरीन कर रही है और कंपनी के पास और भी दूसरे व्यापार है, कुछ च्यूइंग प्रोडक्ट्स में है या कंपनी के चेन ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स भी है, तो उसकी वजह से भी कुछ टर्नओवर आता है, बट ओवरऑल ऑल इन ऑल ये एक सिगरेट की कंपनी और मार्लबोरो जैसी ब्रांड और इनके पास, और सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशन सस्ते हैं और 13 के 14 के P मल्टीपल पे सस्ता लगता स्टॉक, बढ़िया डिविडेंड यील्ड है 2% के लगभग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21-22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 22% रही है, और डेट इक्विटी रेशियो भी एकदम नेग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते बट 0.10 इज विच इज वेरी मैनेजेबल, और बहुत बेहतरीन क्वालिटी रिजल्ट्स आए हैं जून क्वार्टर के, जून 2023 में, मतलब जून 2022 में 142 करोड़ के पैट के सामने 254 करोड़ का पैट, हालांकि एक अदर इनकम का फैक्टर भी है बट स्टिल सब कुछ कंसिडर करने के बाद भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं, तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स में भी बैठे हैं, और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 72-73% शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआई डीआईआई भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं करीब 12-13% के लगभग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए और थोड़ा नजरिया लंबा रखें, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मुझे ठीक लगता है, बहुत ज्यादा अगर करेक्ट भी होता तो 1800 से लेकर 1900 तक का रेंज है जहां पे एक सपोर्ट मिल सकता है, तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें और नीचे आए तो खरीदने, ज्यादा डरे नहीं क्योंकि वैल्यूएशन अच्छे, रिजल्ट्स अच्छे और बाकी सारे पैरामीटर्स में भी बढ़िया लग रहा है, तो 2370-2390 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। गॉडफ्रे फिलिप्स में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात कर लेते हैं इस वक्त।